Hello, welcome to the new video of Crown Middle East YouTube channel. Myself Sanjeev Kaushal, and I want to thank you to all of the viewers of this channel. So today this video we are going to make regarding the residency permit of Chile, regarding the TRC, temporary residency permit of Chile, and also how to settle in Chile with various categories. Chile offer many categories of visa, so Crown Immigration UAE inform you all categories of visa, what are the basic requirement for this visas and how to apply this visa, what are the benefit of residency of Chile country. So today we will discuss about this thing. So ye bhi aapko batana chahta hu ki ye visa basically kin logon ke liye hai, for those who are willing to settle in the abroad, jo achhi developed country ke andar settle hona chahte hain, jaise for example Canada, Australia, New Zealand, UK, Schengen ki kaafi countries mein, but by some reason they are unable to get the PR over there, wo PR nahi le sake, settle nahi ho sake, ya abhi tak wahan pe un countries mein wait kar rahe hain apni residency permit ka, but unko lag raha hai ki nahi milegi, ya India se ya idhar Dubai se migrate hona chahte hain, UAE se migrate hona chahte hain, jaldi jaldi PR lena chahte hain, jaldi jaldi passport lena chahte hain, to un sabhi ke liye ye hum video banane ja rahe hain. To chalo isko shuru karte hain. हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए क्राउन मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल को और घंटी का बटन दबाइए लेटेस्ट डिफरेंट डिफरेंट वीजाज और इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में जानकारी के लिए. थैंक यू. तो सबसे पहले हम चिली कंट्री की फैक्ट एंड फिगर्स की बात करते हैं. चिली कंट्री लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आती है, इसको साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी बोलते हैं, और जो इसकी नेबर्स कंट्रीज हैं उसमें बोलीविया आता है, पेरू आता है और अर्जेंटीना चिली इसकी नेबर्स कंट्रीज हैं. और इसकी जो कैपिटल है चिली की, वो सेंटियागो इसकी कैपिटल है, और इसकी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी इसकी गवर्नमेंट है. इसका एरिया बहुत ज़्यादा लंबा है, ये बहुत ही लंबी कंट्रीज है. इसका एरिया 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का है, और अगर हम कंपेयर करें इसका एरिया और इसकी पॉपुलेशन को तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एरिया इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन में इसका 17.9 मिलियंस ही लोग हैं, जो हमारे इंडिया के 2 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है. सो दिस इज़ अ प्राइम रीज़न कि ये कंट्री बहुत ही जल्दी रेजिडेंसी परमिट, पीआर और पासपोर्ट सिटीजनशिप ऑफर कर रही है टू द इंटरनेशनल्स इमिग्रेंट्स. तो इसके बाद में और इसके अंदर इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जो हम आपको शेयर करते हैं. इसके अंदर इसका बिजनेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिजनेस के लिए बहुत सारी अच्छी इंटरेक्टिव इनकी पॉलिसीज. और जो चिली की करेंसी है वो चिली पैसो बोलते हैं उसे, तो चिली पैसो, चिली के 10 रुपये इंडिया का सिर्फ 1 रुपीज बनता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है ये, बहुत सारे लोग डाउट करते हैं कि भाई उस कंट्री की तो जो वैल्यू है करेंसी की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इस कंट्री में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये बात बहुत गलत है, हम सिर्फ करेंसी के ऊपर कंट्री की वर्थ नहीं हम देख सकते. तो कंट्री की वर्थ चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, उसकी पासपोर्ट की वैल्यू. चिली के पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर 153 कंट्रीज ऑन अराइवल हैं, जिसके ऊपर आप कनाडा भी जा सकते हो, यूएस भी जा सकते हो, यूके जा सकते हो, न्यूजीलैंड जा सकते हो, पूरे के पूरे शेंगेन की कंट्रीज जिनमें जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्वीडन सारी आती हैं, जापान आती है, ये बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो ऑन अराइवल वीज़ा के ऊपर हैं. आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास में चिली का पासपोर्ट है यू कैन go on arrival buying a ticket and you can fly to these countries. Apart from this you can check the GDP growth of Chile country, per capita income of Chile country, you may check the infrastructure of that country, you aap check karo uske bus station, unki railway station, unka airports, unki roads वगैरह, इन सभी से पता चलता है, उनकी GDP growth से पता चलता है कि इस country में कितने पैसे हैं. इस country में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिजनेस के ऊपर जाना चाहिए या स्किल वर्कर के ऊपर जाना चाहिए, हम वहाँ पे माइग्रेट होने का बेनिफिट है या नहीं है, तो इस चीज़ से मैटर होता है. करेंसी ऊपर नीचे से, करेंसी कन्वर्जन से नहीं पता चलता है कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा पैसा है, कौन सी कंट्री में कम पैसा है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस हम शुरू करते हैं इसके कैटेगरीज ऑफ वीज़ा. चिली ऑफर मैनी कैटेगरी ऑफ वीज़ा. सबसे पहले विजिट वीज़ा आता है, स्टडी वीज़ा भी आता है इसके अंदर. इसके अंदर प्रोफेशनल कैटेगरीज में हम माइग्रेशन हो सकते हैं, और बिजनेस माइग्रेशन की काफ़ी ऑप्शंस हैं. जैसे हमने पहले प्रीवियस मैंने आपको बताया, इसकी एरिया बहुत ज़्यादा वाइड है, तो चिली ऑफर करता है मैनी ऑफ द स्किल्ड वर्कर, मैनी ऑफ द प्रोफेशनल और इन्वेस्टर्स को, स्टूडेंट्स को, कि हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आएँ,
फ्रॉम द अनदर कंट्रीज हमारे यहाँ पे आए, हमारी कंट्रीज के लिए वो कुछ करें, यहाँ पे स्टडी करें, बिजनेस करें, तो हम उनको PR देंगे, रेजिडेंसी परमिट देंगे। तो अभी हम इन वीज़ा के बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विजिट वीज़ा के बारे में। विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपना एक बेस दिखाना पड़ेगा, एक सेटलमेंट दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी आप अपनी होम कंट्री के अंदर सेटल्ड हो। या तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो या प्राइवेट जॉब करते हो, तो आपको उस जॉब के प्रॉपर पेपर चाहिए, आपको अपना बैंक अकाउंट शो करना पड़ेगा, आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए इसके लिए, और ये चीज़ शो करके आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री हो तो मच बेटर है। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी आप अप्लाई कर सकते हो चिली का वीज़ा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको वीज़ा लेने में और भी आसानी हो जाती है। तो इस ये जो इसका विजिट वीज़ा मिलता है, ये फर्दर कन्वर्टेबल वीज़ा होता है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द रेजिडेंसी परमिट, TRC परमिट। आफ्टर विजिट वीज़ा जो इसकी सेकंड कैटेगरी ऑफ वीज़ा आती है वो आती है रिटायर्ड एंड फाइनेंशियल वीज़ा। ये भी एक बहुत ही अच्छा कैटेगरी ऑफ वीज़ा है। इसके अंदर अगर आपकी इनकम इंडियन रुपीज़ 1.3 लाख, 1,30,000 के इक्वली या उससे ज़्यादा है, वो किसी भी कैटेगरी में हो सकती है, भाई बिजनेस की इनकम हो सकती है, आपकी रेंटल इनकम हो सकती है, आपकी जॉब की इनकम हो सकती है। इफ़ यू आर हैविंग दिस मच सैलरी और इनकम पर मंथ, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई द परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ चिली। ये भी एक बहुत अच्छी एडवांटेज है। आप विद फैमिली यू कैन ऑल्सो अप्लाई विद दिस कैटेगरी ऑफ वीज़ा। अपार्ट फ्रॉम दिस, थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन आती है बिजनेस माइग्रेशन, बिजनेस एंड मर्चेंट, हम इसको वीज़ा बोलते हैं। इसके अंदर आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या आपका कहीं एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, आप उसकी ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हो, वो भी हम चिली में आपका करवा के दे देते हैं। वहाँ पे बहुत सारी फ्री जोन की ऑप्शंस हैं, फ्री जोन के अंदर और मेनलैंड के अंदर आप चिली में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। वहाँ पे हम आपको बिजनेस सर्वे करवाएंगे कि किस कैटेगरी में के अंदर, किस फील्ड्स के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसके अंदर आपको एडवांटेजेस हैं, किसके अंदर नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन वी विल असिस्ट यू इन द बिजनेस कैटेगरी। और आपका बिजनेस खोलने के लिए बहुत ही उनकी लीनिएंट पॉलिसीज हैं। ये आप मान के चलो विद इन अ वीक और 10 डेज आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन कर लेते हो वहाँ पे। आफ्टर कंपनी फॉर्मेशन आपका जो बैंक अकाउंट बैंक ओपनिंग का है, और टैक्स का जो आपके टैक्स कार्ड बनते हैं वो भी तकरीबन हफ्ते का प्रोसीजर रहता है, 10 दिनों का। तो जब आपका कंपनी फॉर्मेशन का काम पूरा हो जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपनी फॉर्मेशन आप अपनी वहाँ पे रेजिडेंसी फाइल कर सकते हो। तो ये आपका बिजनेस माइग्रेशन के ऊपर हो गया। और चिली ने कोई भी प्रस्क्राइब एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं रखी हुई है, लाइक अनदर कंट्रीज कैनेडा ने रखी हुई है, जर्मनी ने, USA ने, कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। आप अपना स्मॉल स्केल के ऊपर भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप इंडिया का 5 लाख 6 लाख भी लगा के अपना छोटा सा कोई दुकान या बिजनेस शुरू करते हो, उसके अंदर भी आप एलिजिबल हो चिली की रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए, चिली की PR के लिए अप्लाई करने के लिए। और आप इसके ऊपर अपने फैमिली को भी वहाँ पे बुला सकते हो, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को। आफ्टर PR आपकी फैमिली को और आपको फ्री मेडिकल की हेल्प मिलती है वहाँ पे बाय गवर्नमेंट, फ्री एजुकेशन टिल सीनियर सेकेंडरी क्लास आपके बच्चों को, ये भी आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलती है चिली के अंदर। आफ्टर बिजनेस माइग्रेशन के बाद जो हमारे पास कैटेगरीज आती है वो आती है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल वीज़ा। इसके अंदर जो हमारी माइग्रेशन की आती है, अगर आपके पास में आप कोई डिग्री होल्डर हो, MBA, MCA या IT प्रोफेशनल, या आप इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, वहाँ पे आपको जाके कोई फिजिकल जॉब मिलती है, आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में आपको कोई फिजिकल जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो हम आपकी रेजिडेंसी बहुत ईजिली वहाँ पे फाइल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परमिट। तो इसके बिना आपको वहाँ पे आज़ाद वीज़ा ओपन वर्क परमिट की भी काफ़ी ऑप्शंस मिलती हैं हमारी तरफ से। और इसके बाद में फर्स्टली आपको ये TRC मिलेगी। TRC आपको 1 से 2 साल की मिलेगी ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आफ्टर 2 ईयर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई योर परमानेंट रेजिडेंसी। 3 साल तक आपको PR मिल जाती है। और जो पासपोर्ट है आपको, वो 5 से 5.5 सालों के अंदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। और इसके अंदर आपको कोई आइलेट्स करने की भी जरूरत नहीं है कि आप PR तभी ले पाओगे अगर आपके आइलेट्स के ये बैंड हैं या कुछ और, ऐसी इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वीज़ा आता है वो स्टडी परमिट है। तो क्राउन इमिग्रेशन चिली के अंदर हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट की
पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज के साथ में हमारी लाइजनिंग है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टडी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आप हमारे किसी भी क्राउन इमिग्रेशन के ऑफिस में जाके स्टडी वीज़ा विदाउट आइलेट्स, जिसके अंदर गैप भी एक्सेप्टेड है कुछ हद तक, और ये आप अप्लाई कर सकते हो चिली के अंदर। तो ये सारे जो चार पांच कैटेगरी ऑफ वीज़ा मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं, चिली के जो पासपोर्ट की वर्थ बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बोला है वहाँ पे आपको पासपोर्ट सिटीजनशिप पीआर बहुत इजीली मिलेगी। आपको कंटिन्यू कंट्री के अंदर रहना है, उसको आपने मिसयूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वीज़ा लेते हैं सिर्फ वहाँ से आगे माइग्रेट होने के लिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। आप थोड़ा पेशेंस रखो, वहाँ पे पीआर लो, पासपोर्ट लो, यू कैन इजीली गो टू ऑल ऑफ दीज कंट्रीज। बट वो लोग जो इनको इंटरमीडिएट कंट्री की तरह यूज़ करना चाहते हैं, काइंडली वो हमें कॉन्टेक्ट ना करें। सिर्फ जेन्युइन क्लाइंट्स ही, जेन्युइन जो वहाँ पे जाके सेटल होके पासपोर्ट लेके फिर आगे जाना चाहते हैं, तो वो हमें कॉन्टेक्ट करें। हम आपको वहाँ पे ऑल द सर्विसेज वी विल असिस्ट यू प्रोवाइड यू, जैसे आपकी एयरपोर्ट पिकअप होगी, आपको सस्ती से सस्ती हम अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे आपके रेजिडेंसी हम डाल के देंगे, पीआर आपको दिलाएंगे, टीआरसी आपको दिलाएंगे, वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए भी आपके लिए फाइल करेंगे। अगर आप वहाँ से आगे का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, कैनेडा का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, कैसे आप सेटल हो सकते हो वो भी हम आपको करवा के देंगे। बिजनेस शुरू करना चाहते हो, हम आपको वहाँ पे मार्केट का सर्वे करवाएंगे, किस एरिया पे, किस लोकेशन के ऊपर आप बिजनेस शुरू करो और किस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करो कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। वहाँ पे जो टैक्स सिस्टम है, ये टैक्स सिस्टम उनका बहुत लिनिट है, ओनली 17% वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स है, जो वो हम आपको बताएंगे। अगर आप वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करके अपनी लैंड या अपना हाउस खरीदना चाहते हो, तो वहाँ पे चिली के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आप 1 हेक्टेयर उनकी जो लैंड है, जो हमारी 2.5 एकर्स बनती है, उसकी वहाँ पे प्राइस कॉस्टिंग 5,000 से लेके 15,000, डिपेंड ऑन द लोकेशन वेयर यू विल बाय द प्रॉपर्टी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, 5,000 USD से लेके 15,000 USD तक आप अपनी 1 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हो। अगर आप अपने अपना घर खरीदना है, 1 BHK, 2 BHK हाउस फ्लैट ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। उनकी जो मेन कैपिटल है सेंटियागो, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 40,000 से लेके 70,000 US डॉलर के अंदर आप अपना खुद का घर खरीद सकते हो। और जैसे वहाँ पे लोकल सिटीजन को राइट है प्रॉपर्टी खरीदने का, वैसे ही आपको राइट है वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी खरीदने का। आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी खरीद के ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रॉपर्टी आप अपनी पीआर के लिए भी फाइल कर सकते हो, ये भी आपको ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल मिलता है। तो और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास चिली के अंदर, डिटेल्स में हम इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रहता है। तो आप हमारे क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी ऑफिस में जाके चिली के बारे में क्या क्या आप चिली के अंदर ऑप्शंस, कैसे आप विद फैमिली ऑन बेसिस ऑफ बिजनेस या जॉब के ऊपर आप माइग्रेट हो सकते हो, कैसे आप चिली के अंदर सेटल हो सकते हो, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए क्राउन मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल को और घंटी का बटन दबाइए लेटेस्ट डिफरेंट वीजाज और इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में जानकारी के लिए। थैंक यू।